Hi guys, this is Sonam Ahuja. Welcome back to the channel. So I'm back with another shopping haul. This time I'm going to try winter collection from Amazon. तो अगर हम शॉपिंग की बात करें तो Amazon आई वुड से इज़ द मोस्ट ट्रस्ट फॉर दी वेबसाइट फॉर मी एटलीस्ट बिकॉज उससे ऑर्डर करना इट्स सो ईजी एंड इफ़ यू हैव द प्राइम तो आप नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. अनदर थिंग इज़ उसके रिटर्न और एक्सचेंज प्रोसेस जो कि बहुत ही स्मूथ है. बहुत ईजिली प्रोडक्ट्स वापस ले जाते हैं और आपको अपने रिटर्न पैसे जो है आपके अकाउंट में ईजिली मिल जाते हैं. तो अगर मेरे को कोई ऐसी बड़ी चीज़ भी खरीदनी होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स फोन या ऐसा कुछ, तो मैं हमेशा अमेजोन के साथ जाती हूँ. बट अमेजोन से मैंने कपड़े कभी नहीं खरीदे थे. सो दिस टाइम आई थॉट ऑफ ट्राइंग विंटर कलेक्शन फ्रॉम अमेजोन. विंटर कलेक्शन के लिए हमें ऐसा सीन है कि बाहर तो बहुत ज़्यादा जा नहीं सकते, तो आई थॉट ऑफ ट्राइंग ऑल दो स्टफ जो हम बाहर भी पहन सकते हैं और घर पे भी, थोड़े डिसेंट अमाउंट ऑफ कपड़े, लूज और वो सब चीज़ें. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ. सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग. ये स्वेटर जो कि ब्लैक कलर में है. ब्लैक कलर का स्वेटर हम लोगों को चाहिए ही होता है. इन एनी केस ये थोड़ा सा अलग है. इसके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो नेक है वो ऐसे वी नेक टाइप्स है और ऊपर यहाँ पे ना एक जैसे नेकलेस होता है ना उस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रिप आ जाती है इसकी. फुल स्लीव्स ऑब्वियसली. और ये पता कैसा है, जैसे घर में मम्मी लोग नहीं बुनते हमारे लिए, कुछ वैसे वाला इसका कपड़ा और स्टफ है. फिटिंग एकदम सही आई है मेरे को. ज़्यादा लूज नहीं है, मतलब वैसे मुझे ज़्यादा लूज काइंड ऑफ स्वेटर्स पसंद है. बट या चल जाएगा, बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है. इसका साइज़ मैंने मंगाया था एक्सेल और ये किसी मानसी कलेक्शन से है. मुझे नहीं पता, इसका मैंने कभी कुछ ख़रीदा नहीं है पहले. ये मेरे को पड़ा था 899 रुपीज़ का और बहुत कंफर्टेबल है. आप इसको इजीली घर में भी पहन सकते हो. जैसे घर में रहते हैं ना, थोड़ी कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडी हगिंग भी ना हो, थोड़े से लूज़ हो बट और डिसेंट भी लगे. बिकॉज अभी तो घर में अच्छा दिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाहर तो नहीं जा सकते हैं. सो दैट्स वाई उस पर्पज़ के लिए बहुत सही है, बहुत कम्फर्टेबल है. और कपड़ा ना ऐसे चुभने वाला भी नहीं है. बहुत सारे कपड़े आप खरीदते हो ना विंटर्स के, जो चुभ रहे होते हैं बॉडी को, ऐसे इरिटेट कर रहे होते हैं, तो मेरे को ऐसा नहीं लगा. ये काफ़ी सही लगा. नीचे इसके बॉर्डर है यहाँ पर ऐसे वाला ब्लैक कलर का ही, ऑल ओवर सेम कलर है. बस बीच की जो एम्ब्रॉयडरी नहीं, जो भी पैटर्न कहूँगी मैं, जो पैटर्न है ना बीच में सेंटर में, वो थोड़ा डिफरेंट है और साइड में थोड़ा सा डिफरेंट है. और इसका नेक, इसकी सबसे सुंदर चीज़ है इसका जो नेक है, बहुत ही प्यारा लगता है. तो इसको इजीली बाहर भी पहन सकते हो, अंदर भी पहन सकते हो, मतलब घर में अंदर से घर में भी पहन सकते हो, इजीली कैरी कर सकते हो इसको. तो मेरे को तो बहुत पसंद आया है. नेक्स्ट है कि बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का स्वेटशर्ट, जो कि बहुत लंबा नहीं है, नॉट कम्प्लीटली क्रॉप, बट आपका जो बेल्ट वाला एरिया है ना, आई थिंक वहाँ तक आएगा. ये ज़्यादा लंबा नहीं है. और अंदर का जो इसका मटेरियल है ना, वो ऐसे गर्म टाइप्स है, जो फ्लीस मटेरियल होता है ना वैसे वाला है. और इसके यहाँ पे आगे एम्ब्रॉयडरी में लव लिखा हुआ है. ये पेस्टिंग नहीं है, तो ये मुझे चीज़ इसकी काफ़ी सही लगी कि ये पेस्ट नहीं कर रखा, थ्रेड वर्क है तो ये निकलेगा नहीं इजीली. इसका कलर बहुत ही प्यारा, इसे कलर के लिए मैंने इसको लिया था. बट अभी मैं अमेजोन पे देख रही थी तो ये वाला जो कलर है वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है. दो और कलर बचे, एक कॉरल और एक और आई थिंक कोई और कलर है, वो मैं लिंक कर दूंगी नीचे. और अदरवाइज वैसे ये इसका जो प्राइस है ना वो 1600 है, 1599, और ये मैंने एक्स्ट्रा लार्ज में मंगाया है. बट ये मेरे को आफ्टर सेल पड़ा है 499 का, विच आई थिंक इज़ अ गुड सेल. इसको ये कितनी कंफर्टेबल लूज लूज है ना, इसको आप अभी घर पे भी पहन सकते हो आजकल ना. जैसे ये वाला भी मौसम है ना, इस पे भी चल जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है और आपको घर कंफर्टेबल कपड़ों में रहना है, तो इसके साथ में आप अपना पजामा पहन सकते हो एंड यू गुड टू गो. आपकी विंटर्स जो है वो सॉर्टेड है. नेक्स्ट जो है एक और बहुत ही ब्यूटीफुल स्वेटशर्ट. इसका कलर देखो यार, इसके कलर पे आप फिदा हो जाओगे. ये हुडी है, इसमें डिसेंट बड़ी जो है हुडी है, बहुत ही क्यूट कलर और इस पर पोल्का डॉट्स हैं. आप लोगों को पता ही होगा जो 2020 के ट्रेंड्स आए हैं उसमें पोल्का डॉट्स भी वापस आया है. तो विंटर्स में भी आप अपना स्टाइल जो है मेंटेन कर सकते हो 2020 का और इसको कंफर्टेबली घर पे पहन सकते हो. जो इसके शोल्डर्स हैं वो ड्रॉप शोल्डर्स हैं, यहाँ पर आते हैं, मतलब ऊपर तक नहीं है जैसे आपको दिख रहा होगा. देखो इसका यहाँ से नेक शुरू हो जाता है और शोल्डर यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये ड्रॉप करेंगे नीचे तक. और इसकी हुडी भी काफ़ी बड़ी है तो इसको पहन सकते हो. और जो नीचे है ना, नीचे भी बड़ा प्यारा सा वो दे रखा है, नीचे प्रॉपर वो वाला होता ना, प्रॉपरली सिलाई नहीं की होती और थोड़ा सा कूल सा दिखाने के लिए, तो वैसे वाला है. और इसकी यहाँ पे जो हुडी से डोरी निकल रही है ये देखो, वो भी सेम कलर की है.
तो ऑल इन वेरी 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 गुड प्रोडक्ट। इसके अंदर जो मटेरियल है वो भी ये देखो फ्लीस मटेरियल है। इसको पहन के ना आपको इसे सर्दी नहीं लगेगी, बहुत गर्म गर्म टाइप कर देता है ये। और इसका प्राइस भी पता है, इसका टैग पे जो प्राइस है वो 2499 है, मतलब 2500 रुपये की है, और मुझे ये पड़ी है 554 रुपीज़ की बस। मतलब कितना डिस्काउंट। और मैंने ये जो ली है वो एल साइज़ में ली है, जिसका कलर नेम है स्काई ब्लू। एल में ही मेरे को प्रॉपरली जैसे लूज में को चाहिए होता है ना, बहुत कंफर्टेबल लगता है। जो आप घर में भी, जो मेरा मेन कंसर्न था कि आप उसको घर में भी आराम से पहन सको, क्योंकि आजकल घर पे ही आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए कंफर्टेबल रहने के लिए और अच्छा भी दिखने के लिए, तो उस पर्पज़ के लिए भी बहुत सही है, और बाहर तो आप इसको पहन ही सकते। नेक्स्ट है ये जैकेट। मेरे पास ना ऐसी कोई जैकेट नहीं थी, इसको मैं बोलती हूँ फुल फुट जैकेट, चाहे नहीं पता क्या कहते हैं, बट मेरे लिए हमेशा ये यही है। इसमें ये मेरा मेन रीज़न लेने का यही था कि जो हैवी जैकेट्स होती है ना वो मेरे शोल्डर में पेन कर देती हैं, बिकॉज आई हैव सम सर्वाइकल इशूज़। तो उसकी वजह से मुझे क्या होता है, ये शोल्डर में पेन होने लगता है हैवी जैकेट्स या फिर जो हैवी हुड वाले जैकेट्स होते हैं उनकी वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला ट्राई करती हूँ। ये बहुत लाइट वेट होती है तो आपको ऐसा कुछ वो नहीं करेगा, आपके शोल्डर्स पेन नहीं करेगा। जिन लोगों को सर्वाइकल है ना उन लोगों के लिए बहुत सही है। एटलीस्ट मेरे को तो बहुत कंफर्टेबल लगा इसको पहनने के बाद, पेन नहीं हुआ। इसमें हुड है बट डिटैचेबल है, आप निकाल सकते हो इस हुड को। और इसका कलर है पिस्ता। इसका कलर आजकल मुझे यार ये ग्रीन पिस्ता कलर इतने पसंद आ रहे हैं कि मैंने जो घर का पूरा डेकोर है ना वो भी इसी कलर के अराउंड कर दिया, अपने कर्टन्स एंड ऑल दो स्टफ सब ग्रीन पिस्ता ऐसा सब कुछ होते जा रहा है। इवन वॉशरूम में भी जो हैंड वॉश और ये सब चीज़ें हैं ना सब मैं इस कलर की, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, बट हाँ आजकल ये मेरा फेवरेट कलर है, पिस्ता ग्रीन एंड ब्लू के थोड़े शेड्स वैसे वाले। तो इसके कलर की वजह से मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दूसरा मुझे ऐसी वाली जैकेट लेनी थी कि बिकॉज मेरे पास नहीं है। इसमें हुड है ऊपर और आगे ना ये देखो ये फर काइंड ऑफ है, और अगर आपको हुड पसंद नहीं है तो आप इसको डिटैच कर सकते हो। इसकी जो जिप है वो ब्लैक कलर की है जिसमें थोड़ी सी पतली सी सिल्वर डिटेलिंग है, और इसमें पॉकेट्स भी हैं साइड में दो, और पॉकेट का साइज भी जो ना वो डिसेंट अमाउंट ऑफ साइज है। मेरे को यही प्रॉब्लम रहती है, हम लोगों के कपड़ों में ना पॉकेट्स प्रॉपर जो उसकी डेप्थ ना उतनी होती नहीं है, तो फ़ोन वोन भी ठीक से नहीं आता, जैसे डेनिम में हो जाता है। बट इसमें आपका फ़ोन इजीली चला जाएगा अंदर तक, जैसे मेरा फ़ोन भी काफ़ी बड़ा है तो वो मोस्टली पॉकेट से बाहर आता रहता है, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसमें इजीली आपका फ़ोन भी चला जाएगा, आप छोटा मोटा और सामान भी रख सकते हो, तो वेल वन थिंग है। और इसका जो प्राइस था ना, ये मैंने एल में मंगाया है, इसका कलर है पिस्ता एंड इसका प्राइस वैसे है 3399, और ये मेरे को पड़ी है 1349, मतलब ऑलमोस्ट 1350 रुपये में पड़ी है, विच आई थिंक इज़ अ गुड डील। नो कम्फर्टेबल, लाइट वेट, ब्यूटिफुल कलर, इससे लाइट कलर पेस्टल कलर वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं तो इसको पहनने वाली हूँ, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा इसको पहनने बिना। और जो इसकी स्लीव्स हैं ना वो ऐसी सी हैं सी आगे से, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे झूलती रहेंगी कुछ और आपको उठा, कई बार होता है खाना वाना खाना होता है तो उसमें ऐसे हाथ चला जाता है, ये लटक रही होती है, तो इसलिए आगे से इसको टाइट करने वाला सीन भी है। ऑल इन ऑल वेरी गुड थिंग। और लास्ट जो है ना वो ये एक स्वेटशर्ट है, ये ब्लू कलर की, इसका नाम है मल्टी कलर्ड स्वेटशर्ट, बट इसमें थ्री कलर्स हैं, थ्री कलर्स मतलब सेम स्वेटशर्ट में, रेड ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है ये। तो मेरा मेन जो कंसर्न था ना वो ये लेने का इसलिए था बिकॉज उसमें वो कलर्स थे जो टॉमी के कलर्स होते हैं ना, टॉमी में आपने देखा ही होगा उसके लोगों में भी ब्लू वाइट और रेड होता है, उनकी बहुत सारी ड्रेसेस और ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिसमें ये तीनों कलर होते हैं, तो ये मुझे थोड़ा टॉमी वाला वाइब दे रहा था, इसलिए मेरे को मैंने ये सोचा ये भी ले लेती हूँ। और ये बस जिपर है, अदरवाइज अभी आपको कहीं जिम या फिर ऐसे वर्कआउट करने भी जाना है ना तो भी आप इसको ईजिली पहन सकते हो, ऐसे पहन के चले गए और जिप खोला और फिर यू कैन रिमूव इट, मतलब ईजिली ऐसे पूरे बाल वाल खराब नहीं होंगे ऊपर से निकालते हुए। अदरवाइज़ भी बहुत कूल लगते हैं, अगर आप कहीं बाहर इसको टाइट डेनिम के साथ भी पहन रहे हो तो भी बहुत स्मार्ट लगते हैं, और घर पे तो आप इसको पहन ही सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया बार बार कि मेरा मेन कंसर्न यही था कि घर में कंफर्टेबली पहन सको और बाहर भी आराम से इसको पहन सको, तो आई थिंक यू कैन बाय दिस। ये है 849 रुपीज़ की और मैंने इसको लार्ज में मंगाया है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक कर दूँगी अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो। सो या गाइज, दैट इज़ ऑल अबाउट Amazon शॉपिंग विंटर हॉल। आप मुझे बताना आप लोगों को प्रोडक्ट्स कैसे लगे, आप लोग कहाँ से शॉपिंग कर रहे हो आजकल विंटर की, लेट्स कनेक्ट एंड मुझे बताओ आपकी और कोई पोर्टल्स भी क्या मुझे जो एक्सप्लोर करने चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टफ आए ना, लोग अभी खरीद नहीं रहे होंगे बिकॉज नहीं जाना है बाहर, वही सब सिचुएशन है,
बट या कहीं आपके पास ऐसी वेबसाइट है जो आप चाहते हो मैं एक्सप्लोर करूँ, या ऐसी कोई मार्केट है आप चाहते हो मैं एक्सप्लोर करूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे पिन कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोज आती रहेंगी। कुछ सजेशन होंगे तो पोस्ट करना नीचे। एंड इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं अपना इंस्टा हैंडल पे मेंशन कर दूंगी। आई स्टे एक्टिव ओवर देयर, मैं पिक्चर्स पोस्ट करती रहती हूँ एंड ऑल दोस स्टफ। तो या दैट इज इट फॉर नाउ, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून, बाय।